फाइलेरिया एक बीमारी है जो आमतौर पर संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर द्वारा किए गए फाइलेरिया बोनक्रॉफ्टी नामक परजीवी के कारण होती है। इस रोग में रक्त का संक्रमण एक महत्वपूर्ण कारक है। कर्कट, वृश्चिका और मीना राशियां चौथे, आठवें और बारहवें घरों के साथ रक्त पर राज करती हैं। उपरोक्त राशियों और भावों, चौथे, आठवें और बारहवें भाव के स्वामी और कारक मंगल पीड़ित होने पर बुरी तरह से स्थित, दुष्टों के साथ जुड़ा हुआ या उन पर और पापियों द्वारा और किसी प्रकार से रोग कारक घर या ग्रह से संबंधित होते हैं, वे फाइलेरिया रोग को जन्म देते हैं। राहु इस रोग के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह है और जब उपरोक्त भावों, उनके स्वामी और मंगल की युति या दृष्टि से राहु से पीड़ित होते हैं तो यह समान रोग उत्पन्न करता है। इस रोग को नियंत्रित करने में चौथा भाव एक महत्वपूर्ण कारक है और फाइलेरिया के रोग का निर्णय करते समय चतुर्थ भाव और उसके स्वामी को ध्यान में रखना चाहिए। जब चतुर्थ भाव पापियों से पीड़ित हो और मंगल भी, तो वे भी इस रोग को जोड़ते हैं। इस कुंडली में रक्त पर शासन करने वाले सभी जल राशियों से पीड़ित हैं। चौथा, आठवां और बारहवां घर भी पाप से पीड़ित होता है। मंगल रक्त के कारक और फाइलेरिया के लिए कारक, चंद्रमा रक्त रोगों के लिए एक और कारक है, भी पीड़ित है। राहु मारिया पर शासन करने वाली सभी राशियों और घरों को पीड़ित कर रहा है। राहु मंगल, चंद्र और चतुर्थेश को भी पीड़ित कर रहा है। राहु की दृष्टि अत्यंत घातक है क्योंकि यह एक संवेदनशील राशि में है और पापों से प्रभावित है। छठा स्वामी वृषिका और मीना राशियों, चौथे और आठवें भाव और मंगल को पीड़ित कर रहा है। चंद्रमा और राहु, चतुर्थ भाव और चतुर्थेश अत्यधिक पीड़ित होते हैं। इस प्रकार यह देखा जाता है, इस कुंडली में फाइलेरिया पर शासन करने वाले घर और ग्रह अत्यधिक पीड़ित हैं। अधिक जानकारी के लिए या अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों को जानने के लिए किसी एक अच्छे ज्योतिषी एजे ओबरॉय से संपर्क करें।